हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ नई वैकेंसीज़ के बारे में जो कि निकली हैं हिमाचल प्रदेश में। वैकेंसीज़ निकली हैं हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला के अंतर्गत। 9 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। वैकेंसीज़ जो हैं इसमें आपकी भरी जाएंगी वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा, जो कंडक्ट होगा इंटरव्यू आपका 16 सितंबर 2022 को। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फ़िलअप करना होगा, उसकी हार्ड कॉपी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है आपको लेके आनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन। और जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको पर्सनली जो है रिपोर्ट करना होगा और सबमिट करना होगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपनी एप्लीकेशन फ़ीस के साथ जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू रहेगा आपका, वेन्यू जो रहेगा वो है हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला, 16 माइल शिमला मंडी नेशनल हाईवे खांडाल, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश 171014। इसमें जो वैकेंसी है उसकी अगर बात करें तो वैकेंसी है ड्राइवर कम ऑफिस असिस्टेंट अटेंडेंट लाइट, एक वैकेंसी, 10th पास होने चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, 411 पर डे इसमें आपको पे किया जाएगा। और जिस दिन आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, जिस दिन इंटरव्यू होगा, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आपका। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर कम ऑफिस अटेंडेंट हैवी, 10th पास होने चाहिए, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और इसमें भी टाइमिंग जो है इंटरव्यू की वही आपकी यहाँ पे ली जाएगी। सिटीज़न ऑफ इंडिया, बोनाफाइड रेजिडेंट और डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश होने चाहिए, 18 से 45 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और साथ ही साथ अदर इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 500 डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला, पेएबल एट शिमला रहेगी। तो ये हैं वैकेंसीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।